सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत जो है आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन। आजकल पाकिस्तान में व्लॉगर्स हो या फिर क्रिकेटर्स, सबकी जुबान पर एक ही नाम छाया हुआ है और ये नाम है विराट कोहली का, और रीजन है उनका वायरल वीडियो। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी का कहना है जिसको लेके विराट कोहली स्टेटमेंट अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान इज हार्ट वार्मिंग, आई थैंक हिम एंड वेलकम हिम टू कम एंड प्ले इन द PSL एंड ऑल्सो इन द चैंपियंस ट्रॉफी विद टीम इंडिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो था ये 2022 का वीडियो था जो अब वायरल हो रहा है, और जिसके चलते पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जितने भी जो जिनका कंटेंट क्रिकेट के ऊपर रहता है वो सारे इसी के ऊपर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान तो चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने जाए, ताकि उनका मुल्क जो है वो थोड़े से पैसे भी कमा पाए और उनकी गाड़ी क्रिकेट में भी जो है ना वो थोड़ी आगे बढ़े। वैसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फोकस जो है वो T20 वर्ल्ड कप पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर फिर से हार मिलती है तो फिर से एक बहाना सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो टीम है या पाकिस्तान के जो लोग हैं जो चर्चा करते हुए नजर आते हैं वो बेवकूफ़ी ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जब इंटरनेट पे ये चीज़ प्रॉपर लिखी हुई है कि ये वीडियो 2022 का है, उसके बाद अब इसके बारे में बात क्यों करी जा रही है? ये या तो सीधा सीधा दिखावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी का है जिसमें कोहली कहते हुए नजर आए थे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली एंड ऑल योर फ्रेंड्स। बिल्कुल, साल 2022 में जो विराट कोहली थे, आज वो विराट कोहली तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका लुक हो या फिर उनकी जो फिटनेस हो वो लगातार जो है वो बदलती रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर विराट कोहली की हम बात करें तो उनको स्लेच करने के बारे में नांद्रे बर्गर बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। वैसे राजस्थान पिछले 4-5 मैच गंवा कर यहाँ पर पहुंची है, तो क्या लग रहा है कि स्लेच करने की गलती करेंगे? क्योंकि सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ये कहते हैं कि अगर विराट कोहली को आपने स्लेच किया तो वो अपनी वापस फॉर्म में आ जाएंगे। बिल्कुल, उनका है अनिल स्लेजिंग मैच विद हिम वुड बी क्वाइट फन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक बैट्समैन आई एंजॉयड स्लेजिंग। बिल्कुल, अब इन्होंने बात तो कर दी है, देखते हैं कि जिस हिसाब से जो है वो RCB चाहे वो बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो जिस रिदम में नजर आ रही है, अगर ऐसी ही रिदम रहती है तो फिर हो सकता है कि इस साल कप नामडू में बदल जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हो जाते हैं जिनसे पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो फिर अपनी फॉर्म में आ गए तो फिर उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हेडन, उनका कहना है कि इस पूरे IPL सीजन में विराट कोहली और किसी के नहीं अपने खुद के ही रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें 2016 की, जिस सीजन RCB जो है वो फाइनल में हारी थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर RCB जो है बड़ी आसानी से IPL का जो पहला टाइटल है ना वो जीत जाएगी, तो 973 रन बनाए थे 16 गेम्स में विराट कोहली ने, और इस साल आप देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन प्रदर्शन है। बिल्कुल, ऑरेंज कैप की रेस में लगातार अपने जो है नंबर 1 पे प्लेस बना के रखी हुई है विराट कोहली ने। क्या कहना है उनका? उनका कहना है विराट कैन गो पास्ट स्टैनी ऑफ 2016, द लव एंड कमिटमेंट फॉर द गेम ड्राइव्स हिम, ही डजंट बिलीव इन लीविंग दिस थिंग्स इनकम्प्लीट, यू कैन यूज ऑल गुड वर्ड्स फॉर द ग्रेट मैन, विराट लाइक्स टू कंट्रीब्यूट विद द बैट एंड द फील्डिंग। बिल्कुल, इस साल जो है वो 700 से ज़्यादा रन बना चले हैं, और जब से RCB ने इस IPL में खेलना शुरू किया है पहले मैच से, तब से जो है वो लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं और लगातार जो लीड है वो उनकी बढ़ती जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो शायद T20 वर्ल्ड कप में भी ना नजर आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना विराट कोहली के कोई ICC टूर्नामेंट हो सकता है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और साथ के साथ विराट कोहली जो है ये मान के चलिए कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में स्टार प्लेयर कहे जाते हैं, और यहाँ पर RCB के साथ जो अभी उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली क्या नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि महज 29 बॉल्स में 47 रन उन्होंने जड़े थे CSK के खिलाफ जो मैच हाल ही में देखने को मिला था, तो ये रिकॉर्ड अपने आप ही बताते हैं कि विराट कोहली कितने अच्छे प्लेयर हैं। वैसे विराट कोहली खुद यही कहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते हैं, लेकिन जब आप टीम के लिए खेलते हैं, जब आप जीतने के लिए खेलते हैं तो रिकॉर्ड्स अपने आप बन जाते हैं और चेज मास्टर कहे जाते हैं विराट कोहली। तो अब यही देखना होगा कि जो मैचेस बचे हैं, यानी कि Qualifier 1 होगा, फिर Qualifier 2 होगा, तो उसमें जो है वो विराट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और स्ट्रीक जो है वो RCB की लगातार विनिंग वाली चल रही है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो वो आयरलैंड से T20 मैच हारा था, जो सीरीज हुई थी तो उसमें 2 मैच जीता था पाकिस्तान और 1 हारा था, तो क्या लग रहा है कि विराट कोहली जो पुराना वीडियो वायरल हुआ था, क्या ये सिर्फ जो है वो एक स्टंट है पाकिस्तान का, या फिर पाकिस्तान जैसे ही सुनता है कि इंडिया वाले पाकिस्तान आएंगे वो सब कुछ छोड़कर एक्साइट हो जाते हैं?
देखिए कपिल, जहाँ पर भी कंट्रोवर्सी की बात होती है तो पाकिस्तानी कैसे प्लेयर्स हैं या पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं जहाँ नहीं भी हो रही होती है। तो मुझे लगता है ये जो मुद्दा है विराट कोहली का, ये बिल्कुल ही नाजायज़ मुद्दा है। रही बात PSL की, तो पाकिस्तान के पास पहले उतनी फंडिंग भी होनी चाहिए कि वो PSL में विराट कोहली को अफोर्ड कर पाएँ। अब देखने वाली बात ये है कि RCB में परफॉर्मेंस कितनी बरकरार रहती है विराट कोहली की, और T20 वर्ल्ड कप में भी क्या इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पाकिस्तान जो है सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत जो है आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। तो देखने वाली बात यही हो जाएगी कि ये सारे प्लेयर्स जो है इन पर सबकी नजर बनी रहेगी और ये कितना अच्छा कर सकते हैं। आपके कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।